हेलो फ्रेंड, इंडियन एडवांस स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मणिपुर MSc नर्सिंग के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ होगा, उसे कैसे फिल करना है, इसका एडमिट कार्ड कभी आएगा, काउंसलिंग राउंड कभी होगा, मेरिट लिस्ट कभी आएगा, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कभी होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट कभी आएगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा स्टेप बाई स्टेप। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है मणिपुर MSc नर्सिंग 2021 और आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको मणिपुर MSc नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है IAS पेपर.net, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पर क्लिक करते हैं आप IAS पेपर की वेबसाइट पर जाएंगे, जहाँ पर आपको मिलेगा मणिपुर MSc नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, आउटडेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न, सिलेबस के बारे में आसानी जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म आया आपको वो फिल कर लेना। आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका सिटी क्या है, सिटी सेलेक्ट कर लेना। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है या किसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी कोर्स की आप जानकारी लेना चाहते हैं, उस कोर्स को आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे इंजीनियरिंग, BTech, MTech, मैनेजमेंट, BBA, MBA, डिजिटल लर्निंग, MBA, BCA, MCA, कंप्यूटर, फैशन डिजाइन, आर्किटेक्चर, मीडिया, फिल्म, जर्नल, आर्कन, ह्यूमैनिटीज, लॉ, साइंस, BSc, MSc, उसे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है उसे सेलेक्ट कर लेना है, 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर PG, जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन रहेगा उसे सेलेक्ट करके गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक कर देना। जैसे आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो मणिपुर MSc नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलते रहे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है मणिपुर MSc नर्सिंग 2021 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन आउट इन अक्टूबर। अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म MSc नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिस्टार्ट ऑन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। चेक ईयर एप्लीकेशन डिटेल, एप्लीकेशन डिटेल देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर प्रीवियस ईयर से जाके आप चेक कर सकते हैं, पिछले साल के जो भी 2020 के नोटिफिकेशन रहेगा आप उसे जाके चेक। 2020 और 2021 में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, वही सेम रहता है। आपको यहाँ पे बता दो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट डेट जो है मणिपुर MSc नर्सिंग के इम्पोर्टेंट डेट है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंट डेट रिगार्डिंग इसका इवेंट क्या है, डेट्स क्या है, इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म किस डेट को इशू होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इशू ऑफ अक्लोजमेंट कार्ड आपको कभी होगा, एडमिट कार्ड कभी रिलीज़ होगा, काउंसलिंग कभी रिलीज़ होगा, सारी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, आपको मेडिकल डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म ₹600 या मणिपुर MSc नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज ऑफ फर्स्ट वीक अक्टूबर, आपको यहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन ऑफ तो ब्राउचर आपको फिल करना पड़ेगा। इसका फॉर्म जो है ऑफलाइन रहेगा तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा, नेसेसरी डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको दिया हुआ है, एजुकेशनल डिटेल आपको दिया हुआ, कोर्स रिलेटेड डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑल्सो नीड द ऑफिशियल वेबसाइट, द स्कैनर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करके जो भी फॉर्मेट मेंशन रहेगा उस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। जैसे आपको फोटोग्राफ इमेज लगा देना, फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर लगा देना आपको। उसके बाद एप्लीकेशन का जो आपने भरा है एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना। एप्लीकेशन फ़ी जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिना एप्लीकेशन फ़ी के आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी भर देना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको ऑफलाइन DD के थ्रू भरना है, डायमंड ड्राफ्ट के थ्रू भरना है। आपका जनरल OBC, अगर कैटेगरी आपका जनरल या OBC है तो आपको 1500 है, SC और ST कास्ट के लिए ₹1000 है आपको। तो एप्लीकेशन अपना फ़ी भर देना। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप MSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। BSc आपका कंप्लीट रहना चाहिए, पोस्ट BSc डिग्री आपको रहना चाहिए। इंस्टीट्यूट विच ऑफ द रिकॉग्नाइज इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, मिनिमम 55% रहना चाहिए अग्रीमेंट आपका, 5% की छूट रहेगा। रिलैक्सिंग द SC और ST कास्ट के लिए 5% का छूट रहेगा, आपका 50% रहेगा तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे आपको स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग रहेगा, रजिस्ट्रेशन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन मिड वाइफ फॉर स्टेट नर्सिंग आपको रहने का। एक्सपीरियंस कितने का चाहिए आपको, एक्सपीरियंस कितना रहना चाहिए। यहाँ पे BSc नर्सिंग ग्रेजुएट शुड हैव द
1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अगर आप MSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट क्या है आपका, एज लिमिट द कैंडिडेट ओपन द कैटेगरी शुड बी कंप्लीट 21st ईयर का रहना चाहिए। आप 21 साल का रहना चाहिए। 30 ईयर फॉर एज ऑफ 22 दिसंबर, आपका दिसंबर तक आपका एज जो है वो 30 की रहना चाहिए, 30 के ऊपर नहीं है कन्फर्म। वो मैक्सिमम एज, आपका मैक्सिमम एज जो है आपका 50 ईयर रहना चाहिए, उसके ऊपर नहीं रहेंगे। आपको फिटनेस, फिजिकल फिटनेस आपको रहना चाहिए, मेडिकली आपको फिट रहना है। यहाँ पे मेडिकल एडमिट कार्ड का भी रिलीज होगा इसका। होपफुल द रिकॉग्नाइज एग्जामिनेशन सिस्टम ऑर्डर द एडमिट कार्ड। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑल्सो नीड टू टेक सम कॉपी, आपको कॉपी सब निकाल लेने एडमिट कार्ड एंड कीप केयरफुली, आपको केयरफुली कीप कर लेना है। यहाँ पे इट इज़ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज ब्रो ड्यूरिंग द अन एग्जाम, एग्जाम के ड्यूरेंस में जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एग्जाम के टाइम पर। अब बिना एडमिट कार्ड के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे सकते। यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो ऑनलाइन आएगा तो आपको ऑनलाइन जाके विजिट करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ से जाके ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना एडमिट रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। आप रिजल्ट चेक करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉगिन करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद आपको उसके सब कॉपी निकाल लेनी है, आपको रिजल्ट की कॉपी निकाल लेनी है। कॉपी निकालने के बाद आपको रिजल्ट फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट दिया हुआ है, मेरिट लिस्ट आपको कैसे फिल करना है, यहाँ पे आपको दिया हुआ मेरिट लिस्ट अनाउंस द काउंसिल बिलो द मेंशन द डिटेल। आपको जो काउंसलिंग है वो मेरिट लिस्ट रिलीज होगा उसका काउंसिलर ऑफिशियल वेबसाइट कम द एडमिशन एप्लीकेशन अकाउंट द मेरिट लिस्ट। आपको एडमिनिस्ट्रेटर जो रहेंगे मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी विषय ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट आपको यहाँ पर रहेगा एस्पिरेंट नीड द टू एसराइज ऑफिशियल वेबसाइट यूनिवर्सिटी थ्रू द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपका मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपको काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होगा, काउंसलिंग राउंड जो है आपको काउंसलिंग राउंड नीड टू ओपन द पर्टिकुलर लिंक, जो भी लिंक रहेगा आपको ओपन करना पड़ेगा काउंसलिंग राउंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए काउंसलिंग राउंड। उसके बाद सब क्वेश्चन द एप्लीकेशन नीड टू चॉइस अलॉन्ग, चॉइस अलॉन्ग होगा आपका डिस्क्राइब द चॉइस फिलिंग काउंसलिंग राउंड, आपको चॉइस फिलिंग रहेगा काउंसलिंग राउंड। काउंसलिंग राउंड फिनिश होने के बाद, डन होने के बाद आपको नीड टू डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी से। वेन द सीट अलॉटमेंट चॉइस एप्लीकेंट दे नीड टू सी अलॉटेड कॉलेज, आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिया कंसिडर, यहाँ पे बेनिफिट क्या रहेगा अगर आप MSc नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या रहेगा। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ एम्प्लॉई एरीमेंट एरिया, आप कौन से एरिया में एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट राइटर ऑफ मेडिकल दिया हुआ, हेल्थ केयर सेंटर दिया हुआ, मेडिकल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटीज आप वहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज मिलिट्री हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब टाइप आपको कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं, असिस्टेंट नर्सिंग सुपर रहेगा, क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन, मेडिकल एडवांसर, नर्सिंग एक्सक्लूसिव, नर्सिंग इंचार्ज, नर्सिंग सुपरवाइजर, नर्सिंग ट्यूशन ऑक्यूपेशन, हेल्थ नर्सिंग, पैरामेडिकल नर्सिंग ट्यूशन, फिजिक नर्सिंग, वार्ड नर्सिंग आप कर सकते हैं। ये सब जॉब आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जैसे कि मैं बताया था, यहाँ पे आपको मणिपुर MSc नर्सिंग के रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और भी यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी जहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी UPES UG UPES PG छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी GD गोयनका यूनिवर्सिटी DIT यूनिवर्सिटी जो इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन ओपन हो चुका है फॉर ऑल कोर्सेज के लिए, तो आपको सभी कोर्सेज के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, और इस पेज की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में जो मैंने आपको 6 यूनिवर्सिटी बेस्ट बताए हैं उसके बारे में आपको पहले जान लेना, उसकी जानकारी ले लेनी है, उसके बाद ही आपको एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटियों में जाके। आपको गूगल पे पहले सर्च कर लेना, अगर आपको पसंद आए कॉलेज तभी एडमिशन लीजिए। इस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं और अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई है तो।